भाई ये क्या है? सफलता का वाहन है, चमत्कार है चमत्कार। अरे बाबा, तो ऑरलैंडो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे होगे, और नहीं भी होगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला तूने? तो आज की इस वीडियो में ना तुम्हारा भाई तुम लोगों को कुछ अचानक भयानक भयंकर ट्रिक्स, साथ ही साथ कुछ ऐसे बग्स और ग्लिचेस बताने वाला है ना, जिनको देखने के बाद तुम लोग मुझे यही बोलने वाले हो। क्या बढ़िया था गुरु। तो बस तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना तुम लोग को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोग का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस और ट्रिक्स डेली देखने के लिए। ओके, तो उम्मीद है कि तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो चलो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। तो भी अपने सबसे पहले वाले ट्रिक को करने के लिए, जो अपनी व्हाइट वाली गाड़ी होती है उसको लेके ना तुम लोग को डैम की इस वाली जगह पे आ जाना, उसके बाद तुम लोग गाड़ी को ना कुछ ऐसे इस वाली जगह पे लगा देना, फिर तुम लोग गाड़ी से उतरना और इंटर और गेट आउट करना, उसके बाद देख सकते हो तुम लोग पूरा वॉल के आर पार आ चुके हो। अरे बाबा। और ना जैसे ही तुम लोग इस बग का इस्तेमाल करके इस वॉल के अंदर आओगे ना, यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से रैंक पुश कर सकते हो, साथ साथ बहुत सारे किल भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम गोली चलाओगे ना नीचे की साइड तो ऊपर वाले बंदे आएंगे, उन्हें तुम लोग बहुत ही आराम से नीचे से मार सकते हो। और इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके ना तुम लोग बहुत सारे किल कर सकते हो, बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, और डैम पर ना कई बार जोन बन जाता है अपना लास्ट वाला, तो यहाँ पे ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपना बूझा भी कर पाओगे गेम को। और ना अगर तुम लोग रैंक पुश करना चाहते हो और ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो और अपनी स्क्वाड के साथ जाना चाहते हो, तो तुम लोग बहुत ही आराम से ना चारों बंदे यहाँ पे आकर बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और बहुत सारे किल भी कर सकते हो, और इस वाली जगह ना लिटरली तुम लोग कोई नहीं देख पाएगा। और ना अब यहाँ से निकलने की बात, अगर जोन यहाँ पे नहीं बनता तो तुम लोग निकलोगे कैसे? तो तुम लोग ऊपर की साइड यहाँ पे कुछ आ जाना ऐसे, और फिर तुम जैसे ही यहाँ पे आ जाओ ना तुम लोग एक दो बार जंप करना है कुछ ऐसे, और ना ऐसे ही करते करते तुम लोग तीन चार बार जंप करके कुछ ऐसे आगे बढ़ना, उसके बाद देखी सकते हो तुम लोग पूरा पूरा नीचे से बाहर आ चुके हो। तो देखी सकते हो अपनी पहली वाली ट्रिक कुछ अचानक भयानक भयंकर है, तो इस वाली ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। ओके, तो अभी अपने दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग एक बाइक लेनी है, उसके बाद ना तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाना, जो कि अपना पत्थर दिख रहा है तुमको सिटी हार्ट के साइड में, इस वाले पत्थर के पास आ जाना तुम लोग सबसे पहले। और ना जैसे तुम लोग यहाँ पे आ जाओ तुम लोग अपनी गाड़ी को ना कुछ ऐसे आगे बढ़ाना, जैसे तुम्हारी गाड़ी पत्थर पर कुछ ऐसे खड़ी हो जाएगी ना तुम लोग साइड वाला बटन दबा के आगे बढ़ना, उसके बाद देख ही सकते हो तुम्हारी गाड़ी कैसे स्टंटे मार रही है, मतलब कि देखने में ना वाली ट्रिक कुछ अचानक भयानक भयंकर लग रही है। तुम लोग देख सकते हो तुम्हारी गाड़ी ना कुछ ऐसे उड़ते हुए स्टंटे मारते हुए चल रही है आगे, जो कि देखने में ना काफी खतरनाक लग रहा है। और ना अगर इस वाली ट्रिक को तुम लोग अपने फ्रेंड को सामने करते रहे कोई नहीं भी ना तुम लोग इस वाली ट्रिक को करते हुए देख लेता तो मतलब वो पूरा पगला ही जाने वाला है कि तुम्हारी गाड़ी कैसे एक पहिए पे चल रही है। तो भी अपने तीसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाना सीपी हार्ट की अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को लेकर, उसके बाद तुम लोग अपनी जो व्हाइट वाली गाड़ी होती है ना इस वाली जगह पे तुम लोग कुछ ऐसे लगा देना अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को इस वाले ड्रम के सटा के कुछ ऐसे, और ना जैसे ही गाड़ी लग जाएगी गाड़ी से तुम लोग को उतरना है, उसके बाद तुम लोग इंटर और गेट आउट करना, फिर देखी तो तुम लोग पूरा जो कंटेनर होता है ना उसके अंदर आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग इस वाले कंटेनर के अंदर आ जाओगे यहाँ से तुम लोग बहुत सारे किल कर सकते हो और बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो, लिटरली ना इस वाली जगह पे तुम लोग कोई नहीं देख पाएगा, और यहाँ पे ना तुम लोग अपने स्क्वाड के साथ भी आ सकते हो और बहुत सारे किल कर सकते हो तुम लोग इस वाली जगह से, और ये वाली जगह ना तुम लोग के लिए 100% सेफ होने वाली, और यहाँ से तुम लोग बहुत सारे किल कर पाओगे और बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर पाओगे, और यहाँ पे तुम लोग कोई नहीं देख पाएगा, और अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है ना तुम्हारी गोलियों की आवाज सुनकर तो तुम लोग उसे बहुत ही आराम से मार सकते हो इसके अंदर से। ओके, तो अभी अपने चौथे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग सबसे पहले इस वाले लॉन्च पैड के पास आ जाना, फिर तुम लोग अपने लॉन्च पैड के एम इस वाले पेड़ पे कुछ ऐसे कर देना है, तुम लोग को प्रॉपर एम करना है सबसे पहले, जैसे तुम्हारा एम हो जाएगा ना तुम लोग यहाँ से लॉन्च हो जाना है, और जैसे तुम लोग यहाँ से लॉन्च हो गए ना तुम लोग देख सकते हो तुम्हारा करेक्टर ना कहाँ पे उड़ते हुए जा रहा है, तो तुम लोग देख सकते हो क्या ही भौकाल वाली ट्रिक है। अगर तुम लोग ये वाली ट्रिक को अपने फ्रेंड के सामने करते हो ना तो मतलब पूरा वही पगला ही जाने वाले की क्या ही ट्रिक है वाली, और अगर कोई इनेमी ना इस वाली ट्रिक को करते हुए तुम लोग को देखता है तो पूरा पगला ही जाएगा अपना माथा फोड़ने लगेगा। और तुम लोग देख सकते हो ये वाली ट्रिक ना देखने में कुछ खतरनाक लग रही है, और इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके ना तुम अपने फ्रेंड को पूरा शॉक कर सकते हो, उन्हें सरप्राइज भी कर सकते हो। वाओ, तो अभी अपने पांचवें नंबर वाली ट्रिक को करने के लिए तुम लोग इस वाली प्लेस पे आ जाना, अपने केप टाउन की इस वाली हवेली की जगह पे, तुम लोग देख सकते हो मैप में ध्यान से तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाना है, और ना जैसे तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाओ तुम लोग यहाँ पे करना है कि तुम्हारे पास जितने भी लूट है ना बैकपैक मेडकिट वगैरह गन वन सब तुम लोग इस वाली जगह पे कुछ ऐसे फेंक देना है, और ना जैसे तुम लोग एक एक करके अपनी सारी लूट को यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे ना उसके बाद तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे तुम लोग को कुछ नहीं दिखाई देने वाला, मतलब ऊपर तुम लोग को कुछ नहीं दिखाएगा और पूरा दीवार मतलब जो चीजें तुम लोग फेंको पूरा दीवार खा गया तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे ना तुम लोग ध्यान से देख सकते हो तो पूरी चीजें ना तुम्हारी मतलब जो जमीन के अंदर हो ना हवेली के जो अंदर वहाँ जा चुकी है तुम्हारी पूरी चीजें, और यहाँ पे तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देने वाला है, तुम लोगों का कुछ लूट नहीं मिलने वाला है, और जैसे तुम लोग इसके ऊपर आओगे ना तुम्हारी सारी चीजें कुछ ऐसे आ जाएंगी, और अगर तुम लोगों के पास ज्यादा टोकन्स और ग्लूवल्स हो गए ना और तुम लोग अपने फ्रेंड्स को नहीं देना चाहते तो तुम लोग इस वाली जगह पे आगे ना सारे फेंक सकते हो, और यहाँ पे तुम लोग कोई नहीं देख पाएगा और तुम्हारी लूट भी कोई नहीं देख पाएगा, और यहाँ पे तुम्हारे टोकन्स और ग्लूवल्स सेफ रहेंगे और बहुत आराम से तुम्हें उन्हें बचा सकते हो, और मरने के बाद फिर से यहाँ पे आकर अपनी लूट ले सकते हो। अच्छा,
तो बस अभी की इस वीडियो में बस इतना ही। इन पांचों ट्रिक्स में से ना सबसे ज्यादा तुम लोगों को कौन सी ट्रिक पसंद आई कमेंट में जरूर बताना। ओके। और हाँ, अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाएगा तुम लोगों को सब्सक्राइब करने में, और ऐसे ट्रिक्स भी देखने के लिए मिलेंगे तुम लोगों को। ठीक है समरिया। तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।